भाजपा सरकार पर खूब बरसे विधायक, बिलारी प्रशासन द्वारा रोके जाने को लेकर सपा विधायक प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे और कहा कि रामपुर में शिक्षा के मंदिर को साजिश के तहत ढाया जा रहा है, ऐसा नहीं होने देंगे। इसके अलावा प्रदेश सरकार की तीखी आलोचना की। इस दौरान हाजी उस्मान, सौरभ यादव, द्रवेश शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। जी के निर्देश अनुसार हम लोग जो है रामपुर का आदेश हुआ था, वहाँ जाने के लिए तैयार है, लेकिन जिन हालात में हम लोगों को यहाँ बैठना पड़ा है, शायद भारतीय जनता पार्टी अब ये नहीं चाहती कि जुल्म के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएं। हम लोगों ने आवाज़ उठाने की कोशिश की है, उसे दबाने की साजिश की जा रही है अपनी आलोचना, और हम लोग उन बातों को सामने रखना चाहते हैं कि जो शिक्षा का मंदिर, जो हिंदू मुसलमान गंगा जमनी तहजीब का एक गहवारा है, जहाँ लोग शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, अखिलेश यादव साहब उस मंदिर को बचाना चाहते हैं, योगी साहब उस मंदिर को तोड़ना चाहते हैं। हम लोग यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए पूरी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश को पालन करना चाहते हैं, लेकिन योगी साहब उस आदेश का पालन नहीं होने देना चाहते हैं। तो हम लोगों का मकसद ये है, यूनिवर्सिटी बचे, शिक्षा का मंदिर बचे, वो इदारा बचे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जौहर साहब के नाम से है, उसको ज़बरदस्त तरीके से, गलत तरीके से रोकने की, गलत तरीके से ख़त्म करने की, गलत तरीके से बुलडोजर चलाने की साजिशें हैं। आज ये जम्मे गफीर ये लोग इस बात की शहादत और गवाही है कि हम लोग उस इदारे को बचाने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं, हर हद तक काम करने के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता रोड पर उतर कर आंदोलन करने के लिए तैयार है, उसकी ये गवाही है। देखिए आप, ये ऐलान है, ये आगाज़ है उस शिक्षा के मंदिर को बचाने का। हम कहना चाहते हैं योगी साहब से, अरे व्यक्तिगत लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, किसी शिक्षा के मंदिर की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, क्यों उस मंदिर को ख़राब करना चाहते हो, उस क्यों उस जगह को जहां से IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर और जो वहां से नया मुस्तकबिल बनेगा, नए भारत का आगाज़ होगा, उस आगाज़ को मत रोकिए। शिक्षा के मंदिर को आगे बढ़ने दीजिए, शिक्षा को आगे बढ़ने दीजिए, शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ने दीजिए, APJ अब्दुल कलाम के ख्वाब को आगे बढ़ने दीजिए, जो हमारे मदन मोहन मालवीय साहब से लेकर के जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग रहे हैं, जिन्होंने ये कोशिश की है, देश तरक्की तब करेगा जब पढ़ेगा। जब पढ़ाई लिखाई को आप रोक देंगे तो देश की तरक्की कहाँ से होगी। शिक्षा को बढ़ने दीजिए, शिक्षा के प्रसार को बढ़ने दीजिए, यूनिवर्सिटी को मत ढाइए, यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ने दीजिए। इस पर सियासत मत करिए, ये सियासत करने की चीज़ नहीं है, ये पढ़ने और पढ़ाने की चीज़ है, ये शिक्षा को आगे बढ़ाने की चीज़ है, देश को आगे बढ़ाने की चीज़ है। हम लोग सब देश हित में शिक्षा के इस मंदिर को बचाने के लिए एक साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार हम लोग ये चाहते हैं कि शिक्षा के मंदिर को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता रोड पर उतरने के लिए तैयार है, और उस शिक्षा के मंदिर को बचाने के लिए कोई परवाह न करते हुए हम लोग ये चाहते हैं कि शिक्षा के मंदिर पर कोई राजनीति न की जाए।